नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और क्रिकेट डायरेक्टर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल के मैच में एक बहुत बड़ा मोमेंट हुआ था जहां पे गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा था। आपको शुभमन गिल की शतक जरूर याद होगी जहां उन्होंने 58 गेंदों पे 101 रन बनाए थे और अपनी पारी में 13 चौके एक छक्का लगाया था और उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 174 की रही थी। जब टीम ने उनकी सेंचुरी सेलिब्रेट करनी शुरू करी तो वहां पे आशीष नेहरा थोड़े से नाखुश थे और उसके बाद हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई, लेकिन वो बाद में सुलझ गई। पर अच्छी बात तो ये है कि गुजरात टाइटंस इस आईपीएल सीजन में पहली टीम बन गई है जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और यहाँ पे प्रबल दावेदारी पेश कर रही है इस साल भी आईपीएल को जीतने की। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल भी गुजरात ने आईपीएल जीता था, तो देखते हैं कि क्या इस साल गुजरात आईपीएल जीत पाएगी या नहीं। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।